हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाए हैं एमए इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। आपके एमए इंग्लिश में चार सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज आपको ब्रीफ में चारों ही सेमेस्टर का सिलेबस क्या है ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद फिर डिटेल में बताएंगे कि इसमें आपने कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है। जैसे कि देखिए, एमए सेमेस्टर फर्स्ट आपका 4 पेपर आपके होंगे। इसमें फर्स्ट चौसर टू मिल्टन, सेकंड वन लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज़, थर्ड वन विलियम शेक्सपियर, फोर्थ वन रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। ये आपके एमए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है, 4 पेपर्स। फिर आपके सेमेस्टर सेकंड में आपके सेम 4 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर, जैसे आप फिफ्थ वन भी आपका एग्ज़ाम में लिखा आता है क्वेश्चन पेपर पर, रेस्टोरेशन टू 1798। इसमें सिर्फ आपने वही लिटरेचर को स्टडी करना है जो रेस्टोरेशन से 1798 तक होगी। उसके बाद आपका रोमांटिक लिटरेचर, देन विक्टोरियन लिटरेचर एंड अमेरिकन लिटरेचर। ये बहुत अच्छा पेपर है जिसे आप स्टडी करेंगे, अमेरिकन लिटरेचर। इंडो एंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ चुकी हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी आप स्टडी कर रही हैं, लेकिन इस पेपर में आप अमेरिकन लिटरेचर भी स्टडी करेंगे। फिर आपका सेमेस्टर थर्ड, क्योंकि अब फर्स्ट एंड थर्ड आपका चल रहा है, तो सेमेस्टर थर्ड में आपका सिलेबस होगा काफ़ी अच्छा। देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, देन 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री। ये कोड है जो आपके एग्जाम में कोड वर्ड होती हैं, जैसे कि देखिए आपका G1012। ओके, फर्स्ट सेम में आपका 10 से स्टार्ट होगा, सेकंड में आपका 20 से स्टार्ट होगा। ये आपका सेम रहेगा 12, 13, 14, 15। और थर्ड में आपका इस पेपर का, जैसे कि आपका कोड वर्ड क्या होगा यहाँ पर, G3012। तो ये सब कोड हैं, इंग्लिश फोनेटिक्स, देन नेक्स्ट वन 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री। उसके बाद ये आपका ELT आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया। आपका प्रैक्टिकल ना तो फर्स्ट वन में होगा ना ही सेकंड वन में, सेमेस्टर थर्ड में आपका प्रैक्टिकल होगा। मींस आप जिसे वाइवा भी बोलते हैं, ये रिटन एंड ओरल दोनों ही होता है। सेमेस्टर फोर्थ में आपका सिलेबस, आपकी यहाँ पर अब 4 पेपर नहीं है। देखिए, 3 पेपर थे आपके सेमेस्टर थर्ड में, बस यहाँ पर आपका वाइवा हो जाता है। सेमेस्टर फोर्थ में भी आपके टोटल 3 ही पेपर्स हैं, 20th सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन ड्रामा एंड प्रोज, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, एंड लास्ट वन होगा आपका ट्रांसलेशन स्टडीज़। अब देखिए, आपके एमए इंग्लिश में टोटल कितने पेपर आपके आ जाते हैं, 4 आपके सेमेस्टर फर्स्ट में है और 4 ही आपके सेमेस्टर सेकेंड में हैं, और आपके 3 एंड 3 मीन 6 पेपर्स आपके थर्ड और फोर्थ में हैं, एक्सक्लूडिंग वाइवा। गुड, तो आपके आ जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल आपकी जो बुक्स होंगी 14 बुक्स हैं आपकी, और इसके अंदर की जो डिटेल्ड है वो आपको अलग से बताएंगे। तो ये है आपका पूरा सिलेबस है एमए इंग्लिश। ये सेमेस्टर वन का है, प्राइवेट का आपका अलग है, ये आपका सेमेस्टर का है। गुड, तो आपके पूरे 4 सेमेस्टर।